बचपन की गलती की सजा जवानी में ही दूंगा। तुमने मेरे साथ बचपन में जो खेल खेला, अब वही खेल जीव के साथ भी खेल रहे हो ना, है ना? जब धोखा इतना खूबसूरत हो तो कोई भी हंसते हंसते धोखा खा जाए, बेचारा जीव्स क्या चीज है। जानती हो, उस दिन जब मैंने तुम्हें दुल्हन के लिबास में देखा था, एक पल के लिए मैं अपनी सारी दुश्मनी, तुम्हारे सारे फरेब भूलकर तुम्हें देखता रह गया था। एक पल के लिए मुझे यकीन हो गया था कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। याद है वो पल जब हम पास आए थे, बहुत पास। मैं ना तो वो पल कभी भूलूंगा और ना वो एहसास। उसे एक पल के लिए तुम्हारे सारे झूठ, सारे फरेब जैसे सच हो गए थे। मैं उस पल को फिर से जीना चाहता हूं रानी। आई लव यू तुमने कहा था, मैंने नहीं। जब जख्म तुमने दिया है तो मरहम भी तुम ही लगाओगी।
से निकालना ही होगा रानी। हमसे नहीं होगा राजा, बहुत दर्द होगा। तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? दर्द देने वाले को नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा रानी, कभी भी। चुम्मन मियां जी, कहिए। आपने राजा को कहीं देखा क्या? हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने कहा था आप सबको बता दूं कि वो बहुत ही जरूरी काम से कहीं बाहर जा रहे। राजा भी गायब है और रानी भी, कहीं राजा ने रानी को? अरे तुम अंदर आओ। दादू, हम ये पूछ रहे थे कि रानी लौट आई क्या? नहीं, रानी अब तक नहीं आई। क्या, अभी तक नहीं आई? अच्छा दादू, उसकी कोई खबर आई, कोई खत या तार या कोई फोन? अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अगर वो अकेली गई होती तब फिक्र की बात होती, वो अकेली नहीं राजा के साथ गई है। क्या राज? अरे किसी की खबर ना आना ही सबसे अच्छी खबर होती है। रानी भी गायब है और राजा भी। अच्छा दादू, हम चलते हैं। रानी, रानी, रानी। गुड मॉर्निंग मिस्टर राजबीर सिंह। जख्म हमने दिया था तो मरहम भी हम ही लगाएंगे। बैठो। जब भाग सकती थी तो भागी क्यों नहीं? जंगल के बीचों बीच लाकर छोड़ दिए, कहां जाते भाग के?
ये तुम भी जानती हो रानी, और मैं भी जानता हूं कि तुम चाहती तो जा सकती थी। फिर लौट कर क्यों आए रानी? क्योंकि अभी लड़ाई का फैसला नहीं हुआ है। हम जाएंगे जरूर, पर लड़ाई छोड़ के नहीं, लड़ाई जीत के। तुम्हारी आंखों के सामने से जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये वादा है हमारा। वादे तो तुम सिर्फ तोड़ने के लिए करती हो रानी, सच बताओ मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूं ही, मुझे बचाकर तुम खुद अपनी दुश्मन क्यों बन गई? मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया? हम नहीं जानते। पर मैं जानता हूं, तुम वाकई मुझसे प्यार करती हो। मुझे जवाब मिल गया। मैं सोचता था कि मैं तुम्हें यहां बांध कर लाया, पर तुम तो खुद ही बंध कर चली आई। और जो अपने खुद के पैरों में जंजीरें डाल दे, वो भला मेरी कैद से आजाद कैसे हो सकती है? हाथ छोड़ो राजा, हमें जाने दो। छोड़ दूंगा, बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। क्या हुआ, कहो ना। हम नहीं करते तुमसे प्यार, नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। मुझसे झूठ बोल रही हो या खुद से? हम झूठ नहीं बोलते राजा। तो फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। नहीं लगता। कहो कि मैं जब तुमसे दूर जाता हूं तुम मुझे पलट कर नहीं देखती। नहीं देखते। कह दो कि मेरा होना तुम्हें जितना परेशान करता है, मेरा ना होना तुम्हें उससे ज्यादा परेशान करता है। नहीं करता। कह दो कि जब जब मैं तुम्हें छूता तो तुम्हें कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता राजा, कुछ नहीं होता, हो भी नहीं सकता। हम क्या राजा, तुमसे तो कोई भी लड़की प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि तुम किसी के प्यार के लायक नहीं हो। तुम इंसान नहीं, जानवर हो राजा, जानवर। हमारी गलती है, नहीं रुकना चाहिए था यहाँ। तुम्हें दर्द में तड़पते हुए छोड़ के चले जाना चाहिए था। तो फिर कहीं क्यों नहीं? ओ प्लीज, मेरी तरफ ऐसी नजरों से मत देखो। एक बार इस भोले चेहरे, इन आंखों और इन आंसुओं से धोखा खा चुका हूं, दोबारा नहीं खाऊंगा, कभी नहीं। राजा, राजा
क्या ढूंढ रहे हो जीव जंतु? रानी का ये तेरे चेहरे पे निशान कैसे? राज रानी का राज, मैंने पूछा रानी कहाँ है? अगर रानी को एक खरोच भी आई ना तो I swear हम तेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। एक कहावत सुनी होगी तुमने बचपन में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आज तुझे देखकर उस कहावत का मतलब समझ में आ रहा है। रानी से तुझे क्या लेना देना? मैं उसके साथ कुछ करूं या कुछ ना करूं, तुझे क्या फर्क पड़ता है? रानी तेरी है ही कौन? बात ये नहीं है राज कि रानी हमारी कोई है या नहीं, बात ये है कि रानी तेरी भी कोई नहीं है। रानी तेरी कोई नहीं लगती, ना दोस्त, ना गुलाम, ना ही कोई जायदाद। रानी तेरी कोई नहीं लगती राज, कि तू जो चाहे उसके साथ वो करे। शराफत से बता दे रानी का है? तू जानना चाहता है ना कि रानी कहाँ है? मैं बताता हूं तुझे। देख राज, जा पहले मेरे लिए विस्की लेकर आ। 5 सेकंड में नहीं लाया तो तुझे कभी पता नहीं चलेगा कि रानी कहाँ है। एक जख्म हमने दिया था तो मरहम भी हम ही लगाएंगे। बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। हम नहीं करते तुमसे प्यार। अब बता रानी कहाँ है? जीव तुम्हारा छोटा भाई जरूर है पर तुमसे बहुत बड़ा है। राज, याद है रानी जब छोटी थी उसके पास एक बिल्ला हुआ करता था। हाँ, काली काली प्रसाद जी। रानी जहां जाती थी उसके पीछे पीछे दुम हिलाते हुए चल देता था। रानी तो बड़ी हो गई लेकिन आज भी उसके पिल्ले पूंछ हिलाते हुए पीछा करना बंद नहीं किया। राज, अपनी औकात में रह। क्या हुआ? बात बुरी लग गई पर यही तो सच है, यही तो रिश्ता है तुम्हारा। तू दिन भर रानी रानी करता रहता है और वो तुझे पूछती तक नहीं। वो हमें पूछे या ना पूछे, जितना हम तुझसे पूछ रहे हैं उतना जवाब दे। राज, प्लीज बता दे रानी कहाँ है। जीव्स, तू अनाड़ी का अनाड़ी रह गया है। त्रिया चरित्र नहीं समझ पाया अब तक, लेकिन जिस दिन तू ये समझ जाएगा
उस दिन तो जान जाएगा कि रानी क्या कोई भी लड़की प्यार नहीं करती है, सिर्फ फरेब करती है, धोखा दिया करती है और कुछ नहीं।